हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक के पर्सनल लोन के स्कीम के बारे में कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वांटम ऑफ लोन है, कितने दिन में आपको लोन को चुकाना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसेसिंग चार्ज क्या है। तो चलिए हम एक एक करके इन सारी फीचर्स को देखते हैं। पहले हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कोई भी सैलरीड क्लास जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट का एम्प्लॉई हो या फिर कन्फर्म परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉई किसी और इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या मल्टीनेशनल कंपनी का हो, या कोई भी पेंशनर जिनका पेंशन अकाउंट पंजाब एंड सिंध बैंक में आता हो, इस लोन के तहत एलिजिबल हैं। देखिए, एज क्या है, मिनिमम एज 21 इयर्स है और मैक्सिमम एज अगर आप सैलरीड क्लास है तो 60 साल है, वो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय के लिए। प्राइवेट और एमएनसी के एम्प्लॉय के लिए 65 इयर्स मैक्सिमम है और जो पेंशनर है उनको 70 इयर्स मैक्सिमम है, 70 इयर्स होने तक वो इस लोन को ले सकते हैं। ठीक है, कितना लोन मिल सकता है अगर आप सैलरीड क्लास है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट के, तो आपको 18 टाइम्स आपके मंथली नेट इनकम या 10 लाख रुपया, इसमें से जो भी कम हो। मान लीजिए आपका जो मंथली नेट सैलरी का 18 टाइम्स 11 लाख हो जाता है, पर आपको 11 लाख नहीं, स्कीम के तहत आपको 10 लाख मिलेगा, क्योंकि स्कीम के तहत मैक्सिमम 10 लाख रुपया मिल सकते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट और एमएनसी के एम्प्लॉई हैं तो आपको 18 टाइम्स आप मंथली नेट सैलरी या 5 लाख रुपया, दोनों में से जो भी कम हो। वहीं अगर आप पेंशनर हैं और आपकी एज 65 साल तक है तो 15 टाइम्स ऑफ नेट मंथली पेंशन या 3 लाख रुपया, इन दोनों में से जो कम हो, यानी मैक्सिमम 3 लाख रुपया। वहीं अगर आप पेंशनर की एज 65 साल से 70 साल के बीच हो तो उनको 10 टाइम्स ऑफ नेट मंथली पेंशन या 1 लाख रुपया, इन दोनों में से जो कम हो, यानी 65 से 70 साल के बीच जिस पेंशनर का हो वो मैक्सिमम 1 लाख रुपया इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। देखिए, आपको इस लोन को चुकाने के लिए 72 महीना यानी 6 साल का मैक्सिमम समय दिया जाता है। गारंटी के तौर पर एक थर्ड पार्टी गारंटी या म्यूचुअल गारंटी या आपको अपने स्पॉन्सर की गारंटी या कोई भी मेजर सन की गारंटी देनी पड़ती है। देखिए, प्रोसेसिंग चार्ज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई या पेंशनर है तो उनको लोन अमाउंट के ऊपर 0.5% प्लस GST, वही अगर प्राइवेट और एमएनसी के हैं तो 1% ऑफ लोन अमाउंट प्लस GST। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है, ये सिविल स्कोर पे डिपेंड करती है। अगर आप गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और पेंशनर हैं और आपके सिविल 768 से 900 के बीच में है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.50 लगेगा। वहीं जैसे जैसे सिविल आपकी कम होती जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। 641 से 689 के बीच सिविल होने पर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50 लगेगा। अगर आपकी सिविल 641 से नीचे है तो आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है। वहीं अगर प्राइवेट एम्प्लॉई है या एमएनसी है तो आपकी सिविल अगर 768 से 900 के बीच में है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.60 लगेगा। वहीं जैसे जैसे नीचे आती जाएगी आपकी सिविल स्कोर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, यानी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 11.50 है और सबसे कम 9.50 है। जहाँ तक प्रोसेसिंग चार्ज के पास है, 0.5% ऑफ लोन अमाउंट प्लस GST पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में, प्राइवेट और एमएनसी के केस में 1% ऑफ GST प्लस लोन अमाउंट। चलिए दोस्तों, ये थी पर्सनल लोन की कुछ फीचर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।